लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। स्निफर डॉग ने 10 टन कोकीन पकड़ी। माफिया सरगना ने उसका सिर लाने वाले को 48 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। कोलंबिया दुनिया का सबसे बड़ा कोकीन उत्पादक देश है। यहां हर साल 9-10 टन कोकीन पैदा होती। बीते कुछ सालों में 245 अपराधियों को पकड़ा चुकी है सोम्ब्रा। फिलहाल राजधानी बोगोटा के एयरपोर्ट पर तैनात है सोम्ब्रा बोगोटा। कोलंबिया की मादा स्निफर डॉग सोम्ब्रा नशीली दवाएं पकड़वाने के लिए काफी मशहूर है। उसे पुलिस सुरक्षा दी गई है। वजह यह है कि सोम्ब्रा ने इस साल की शुरुआत में 10 टन कोकीन पकड़वाई। इसके चलते कोलंबिया के सबसे बड़ी माफिया गैंग अर्बेनोस के सरगना ने इस स्निफर डॉग का सिर लाने वाले को 48 लाख रुपए 53,000 पाउंड का इनाम देने का ऐलान किया है। बीते कुछ सालों में वे 245 मुजरिमों को गिरफ्तार करवा चुकी है। सोम्ब्रा का अंग्रेजी में मतलब होता है शैडो, परछाई। कोलंबिया दुनिया का सबसे बड़ा कोकीन उत्पादक देश है। यहां हर साल 9-10 टन कोकीन का उत्पादन होता है। जर्मन शेफर्ड प्रजाति की सोम्ब्रा कोलंबिया के उराबा इलाके के टर्बो में तैनात थी। यहां से तस्करों को आसानी से समुद्र में जाने का रास्ता मिल जाता है। सोम्ब्रा को दोबारा से राजधानी बोगोटा के अल्दोरादो एयरपोर्ट पर तैनात किया गया है। सोम्ब्रा की तैनाती के बाद एयरपोर्ट को सुरक्षित माना जा रहा है। एयरपोर्ट के आसपास अर्बेनोस गैंग काफी सक्रिय रहता है। सोम्ब्रा की तगड़ी सुरक्षा। सोम्ब्रा का एक हैंडलर तो होता ही है, इसके अलावा उसकी सुरक्षा में 10 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात होते हैं। पुलिस का कहना है कि उसे लेकर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अर्बेनोस को गल्फ क्लान के नाम से जाना जाता है। इसका सरगना डायरो एंटोनियो उसुगा उर्फ टोनील है। ये कोलंबिया के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक है। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, गैंगस्टर सोम्ब्रा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने उसे पकड़ने या मारने के लिए ऑफर दिया है।